हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचर परीक्षा 2024 की तैयारी हेतु सब्जेक्ट मैथ। और मैथ में आज हम पढ़ेंगे भिन्ने यानी कि फ्रैक्शंस। आज हम भिन्नों के बारे में समझेंगे कि भिन्ने क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, उनको कैसे लिखा जाता है। आइए इस वीडियो में हम देखते हैं भिन्ने यानी कि भिन्नों की परिभाषा क्या है, किसे कहा जाता है भिन्ने। तो देखिए दोस्तों, भिन्ने क्या होती है। भिन्ने होती है किसी संख्या या वस्तु के किसी भाग का उसके संपूर्ण का संपूर्ण वस्तु संपूर्ण संख्या या वस्तु किसी संख्या या वस्तु के किसी भाग का संपूर्ण वस्तु या संख्या से संबंध प्रदर्शित करने को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं किसी भी संख्या या किसी वस्तु के किसी भाग का उस संपूर्ण वस्तु या संख्या से संबंध प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं यानी फ्रैक्शन कहते हैं। अब फ्रैक्शंस देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं इसमें कि भिन्ने कैसे लिखे हैं। जैसे यहाँ लिखा है 3/4। अब देखिए, भिन्न के दो भाग होते हैं। एक होता है अंश, ऊपर वाली जो संख्या है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाले को बोला जाता है दोस्तों हर। अंश को इंग्लिश में बोला जाता है न्यूमेरेटर और हर को बोला जाता है डिनोमिनेटर। अब पढ़ेंगे हम उचित भिन्ने क्या होती है। भिन्नों के बारे में तो हमने समझा कि भिन्ने क्या होती है। भिन्ने होती है दोस्तों किसी संख्या या वस्तु के किसी भाग का उस संपूर्ण वस्तु या संख्या से संबंध प्रदर्शित करने को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब भिन्न जैसा कि यहाँ लिखा है 4/3, इसके दो भाग हैं। एक तो होता है अंश और एक होता है हर। अंश को न्यूमिनेटर कहा जाता है और हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। अब भिन्ने तीन प्रकार की होती है दोस्तों। पहले नंबर की होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित और तीसरी होती है मिश्र भिन्न। अब देखिए उचित भिन्न क्या होती है, उचित भिन्ने क्या होती है, उचित भिन्ने किसे कहा जाता है, इसके बारे में हम समझें। तो जिस भिन्न का अंश जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा हो, उसके हर से छोटा हो तो उचित भिन्न, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न कहते हैं। जिस किसी संख्या में क्या हो, उसका अंश हर से छोटा हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल लिखा है 2/3, 1/5
और 6/10। इन भिन्नों में क्या है? अंश वाला जो भाग है वो हर वाले से छोटा है। हर वाले से क्या है? छोटा। ये अंश है और ये क्या है दोस्तों? हर। हर से अंश क्या है इसमें? छोटा है। इसलिए इसको हम कहते हैं कि जिसके अंश वाला भाग उसके हर से क्या हो? छोटा हो, तो क्या कहते हैं उसको? उचित भिन्न कहते हैं। आइए दूसरे नंबर की भिन्न हम देखते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होती है? जिस भिन्न है जिसे भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो। हर से क्या हो? बड़ा। तो उसे अनुचित या विषम, इसको विषम भिन्न भी बोला जाता है, विषम भिन्न कहते हैं। जैसे 5/2, 4/3, 15/2, 10, इस प्रकार की जो संख्याएं लिखी हुई है भिन्नों में, वे क्या है? उसका अंश हर वाले हर से बड़ा है। अंश क्या है? हर से बड़ा है, इसलिए इसको हम अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर की जो भिन्न है वो है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किसे कहा जाता है? तो मिश्र भिन्न देखिए दोस्तों, जिसे भिन्न में एक पूर्णांक, एक तो क्या हो? पूर्णांक हो, और भिन्न जिसकी जगह हम लिखे जो भिन्न एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो, मिलकर बनी हो, उसे मिश्र भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। जो भिन्न एक पूर्णांक और भिन्न से मिलकर बनी हो, उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें 1/2, इसमें क्या है? एक पूर्णांक है और 2/3 क्या है? एक भिन्न है। इन से मिलकर ये भिन्न बनी है, जिसको हम पढ़ेंगे 1/2, 5/4, 8/10, 15। इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वे क्या है? मिश्र भिन्न कहलाती है। आशा करता हूँ आपको भिन्न की परिभाषा और भिन्नों के प्रकार एवं उनकी परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।